चलिए बच्चों के डैडी अब बिहार निकले हैं जॉब पे, अब जाती हूँ बच्चों को तैयार करती हूँ और हम लोग भी निकलते हैं स्कूल के लिए। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योर सेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो अभी है सुबह का टाइम और मैं आपको बता दूं कि कल जैसे मैंने साबुदाने की खिचड़ी भिगो दी थी और मुझे ये लग रहा था कि मुझे एक कन्फ्यूजन हो गया था कि आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख नहीं, आज 7 तारीख है। तो साबुदाने की खिचड़ी तो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और अभी हाल मैंने अपने कैलेंडर में चेक करा कि भाई आज तो 7 तारीख ही है, 8 तारीख नहीं है, 8 तारीख कल है। कल हैप्पी वुमेंस डे भी है और कल महाशिवरात्रि भी है। तो हुआ ये कि अभी बच्चों के डैडी उठ के आए तो मैं उन्हें बता रही थी कि भाई हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है, आज अपना कोई व्रत नहीं है, कल है हमारा व्रत यानी कि फ्राइडे को, तो महाशिवरात्रि का। तो अभी ये साबुदाने की खिचड़ी जो भिगी हुई रखी हुई है इसे मैं अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी और इसे छाँव में ही रखूँगी, ज़्यादा फ्रिज में भी नहीं रखूँगी। इसे फ्रिज में रखूँगी तो ये चीटी हो सकती है और धूप में रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएगी, एकदम पानी जैसा छोड़ देगी। तो इसे अभी यहाँ छाँव में ही रखे रहने दूँगी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बाकी ये है कि आज रेगुलर सा खाना ज़रूर बनेगा। अब जो प्रिपरेशन करनी थी यानी कि बच्चों के डैडी का जो टिफ़िन वगैरह मुझे सब तैयार करना था, वो तो अच्छा है कि आज उनका स्केड्यूल थोड़ा लाइट है तो वो खाने के टाइम पर ही घर आ जाएंगे।
तो फिलहाल अभी ये हुआ है कि अब जो व्रत रखने वाले थे वो आज कैंसिल, आज नॉर्मल खाना खाया जाएगा, कल व्रत रखा जाएगा। तो चलिए, ये एक बहुत प्यारा सा अपडेट है जो हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे। इनफैक्ट मैं कन्फ्यूज हो गई थी, मुझे लग रहा था कि आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी, लेकिन आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख है, तो क्या कन्फ्यूजन है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए, इसी के साथ फिलहाल अभी चाय चढ़ा दी है और बच्चों को उठाने के लिए जा रही हूँ। बच्चों को उठाती हूँ, बच्चों का रेगुलर सा डे है तो उन लोगों को उठाती हूँ। चलिए, यहाँ पे चाय चढ़ा दी है मैंने, बच्चों के डैडी उठ गए हैं और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मैंने अपने पेट्स को भी उठा दिया है। बाहर का मौसम इतना अंधेरा था जब मैं उठी थी, एकदम सडनली बिल्कुल ऐसे दिन निकल आया है। चलिए बच्चों को उठाती हूँ। आदू चीको, अच्छे ना उठ जा मेरा चीका, चीका पिका रोला रिका, इट्स ओनली थर्सडे, टुमारो इज टीजीआईएफ, राइट आदि जी? उठ तो बेटा, चीका उठो उठो उठो, चलो चलो चलो, ब्रश करो ब्रश करो बेटा, टुडे इज थर्सडे, टुमारो इज टीजीआईएफ, उठो 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 उठो। मुझे कन्फ्यूजन हुआ तो मैंने इन लोगों को कन्फ्यूज कर दिया। और मुझे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, कल मुझे इतना सारा सामान लाना था नवरात्रि से रिलेटेड, ये नवरात्रि क्या, महाशिवरात्रि से रिलेटेड, ओम नमः शिवाय से रिलेटेड, पर मैं जा ही नहीं पाई। और फिर बाद में मुझे यही लग रहा था कि हाय राम। और जब मैंने इंडियन स्टोर पर कॉल करके पूछा कि ये सामान आ गया, जैसे मुझे बेलपत्र चाहिए था तो बेलपत्र नहीं मिला, मुझे यही लग रहा था यार काश मेरे पास एक दिन और हो जाए तो मैं एक सामान लेकर आ जाऊँ। इंडिया में होते हैं ना तो बेलपत्र बड़े आसानी से मिल जाते हैं, बेलपत्र, फूल और बेल फूल वगैरह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, पर अब यहाँ तो बहुत मुश्किल है। पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख है। ये अच्छा हुआ एक दिन और मिल गया मुझे। आधी ब्रश है, टू ये ब्रश पे टू गुड, कम ही है चीकी पेकी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने सच्ची में एक दिन और दे दिया, ये तो चमत्कार ही हो गया यार। सच्ची में मुझे तो यही लग रहा था कि आज 8 तारीख है और ध्यान से देखा तो मैंने कहा आज 7 तारीख है, और इस चक्कर में मैंने सबको विश भी कर दिया, पर कोई बात नहीं, एडवांस में कर दिया, कल नहीं कर पाऊंगी मुझे लगता है क्योंकि उपास रहेगा इसीलिए। कम यार, गिव मी हगी हकी, ओले मेरी बेटी छोटी जी, किसी किसी कल रात को प्रिशा का एक दांत टूट गया। प्रिशा शो थी यू एवरीवन, प्रिशा का एक छोटा सा दांत था जो आगे की साइड था वो टूट गया। सो स्प्लॉची राइट, गुड्डू जीजी पापा, गुड्डू जीजी पापा, कब बस अभी आदि भी आने में ही है। आदि कम यहाँ, गिव मी हगी हगी चीको, गिव मी हगी हगी चीको, come here my love, you know I love you, okay. Hi. Yay. Oh. Mm. Mm. Go to Gigi Papa, Gigi Papa, go. Thank you, baby. Appreciate you. चलो मिलता हूँ, bye. Okay, bye. चलिए बच्चों के डैडी अब बिहार निकले हैं जॉब पे, अब जाती हूँ बच्चों को तैयार करती हूँ और हम लोग भी निकलते हैं स्कूल के लिए। मम्मी, कहाँ जा रहे हो?
ट्रैश की थैली है जो मैं हमेशा गाड़ी में रखती हूँ, कभी इसको साइड पे रखती हूँ ताकि और कचरा निकले तो इसी में डाल देते हैं, फिर एक साथ ही थैली फेंक देते हैं। दोनों बच्चे हैप्पी हैं, सिबलिंग्स क्यूट क्यूट से। आदि प्रशा को छोड़ दिया मैंने स्कूल में, alright, अब जा रही हूँ घर। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा क्लाउडी हो रखा है। और पता है मैंने एक चीज नोट करी है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उनमें एटीट्यूड आना, एक यू नो एक ऐसा पावर्स आ जाता है उनके अंदर, वो अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हैं। ये मैंने अपने घर में भी देखना शुरू कर दिया है और मैंने सब जगह पे देखना शुरू करा है। जैसे जैसे बच्चे मिडिल स्कूल की तरफ आते हैं तो उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, उनका नेचर चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंजेस होते हैं, और जैसे वो हाई स्कूल में जाते हैं तब अलग चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि प्यूबर्टी होने लग जाती है उनको। और आजकल के बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, बहुत जल्दी। तो बच्चों के साथ आपको कितनी बार ऐसा होता है एज अ पेरेंट, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ना लेट डाउन होना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कुछ और प्लान्स हैं और बच्चों के कुछ प्लान्स हैं, लेकिन आप बच्चों के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। आप अपनी चीज़ें उनके ऊपर नहीं थोप सकते हो। कितनी बार उनके नेचर मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी वो खुश हो रहे होते हैं, एकदम से सडनली उनको स्नैपिंग की आदत हो जाती है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, फिर उल्टा जवाब देते हैं। तो हर छोटी चीज़ को ईगो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने खुद ने भी नोट करा है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने समझाया। ये तो अच्छा है कि आसपास आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हो जिनके बच्चे धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, उन लोगों से अगर आप बात करो ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यू नो व्हाट किस तरीके से चलती है लाइफ। नहीं तो बच्चे ना बहुत जल्दी बच्चों में चेंज आ जाता है, और उन्हें जहाँ समझ में आ जाए ना कि भाई हमारे मम्मी पापा हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा यू नो विरोध करने लग जाते हैं उन चीज़ों का, और वो आपके ऑपोजिट जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत गलत थॉट्स बनते हैं उनके। और सबसे बड़ी बात, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अगर हम उनके साथ वैसे ही डांटना शुरू कर दें तो पता है बच्चे ना बातों को छुपाने लग जाते हैं, और बच्चों को समझ आ जाता है कि इनके साथ ये बात शेयर करने से कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा हमें डांटते ही रहेंगे। चाहे उनके सीक्रेट्स हो चाहे कोई भी अच्छी चीज़ हो, बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। ये चीज़ मैंने खुद ने नोट करी है, अभी आए दिन मैं खुद भी अपने चीज़ों अपने घर में भी देख रही हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे घर में भी नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं जैसे आप लोगों के घर में होती हैं। आप लोगों के आसपास आपके छोटे छोटे बच्चे भांजे के रूप में, भतीजी के रूप में, भांजियों के रूप में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे भाई के बच्चे, हमारे बच्चे, और हर एक के मतलब, और फ्रेंड्स के बच्चे या कोई मोहल्ले के बच्चे, तो आप बहुत ज़्यादा नोट करोगे देखना ये चीज़ कि जैसे जैसे बच्चे एलिमेंट्री से मिडिल स्कूल में जाते हैं, यानी कि 6th, 7th, 8th वाली लाइन में जाते हैं, तो बच्चों में एकदम सडन चेंज आ जाता है, बच्चों का नेचर बहुत बदल जाता है। फिर 10th, 11th, 12th ये जो होती है इसमें वो बहुत चेंज आ जाता है उनके अंदर, और ज़्यादा चेंज आ जाता है, फिर उनकी हाइट बढ़ रही होती है, प्यूबर्टी आती है। तो इसीलिए जैसे लड़कियां भी बड़ी होने लग जाती हैं, लड़के भी बड़े होने लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है उनके अंदर, उनके नेचर के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि भाई आप लोग भी एक बड़े हैं, आप लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, हम लोग भी ये चैनल मैं बहुत सोच समझ के बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे आए ज़िंदगी में चलती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करते रहना, और बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद कि आप इतना टाइम निकाल के मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, अपनापन महसूस कर रहे हैं इसीलिए। तो चलिए, और बस ये है कि बहुत पेशेंटली सब चीज़ों को टेकल करना पड़ता है,
बच्चों की चॉइसेस रखनी पड़ती हैं, उन्हें समझ आने लग जाता है कि मम्मी पापा हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें। ये एक बहुत बड़ा एक बेस बन रहा है, बहुत ज़रूरी है। और हर घर में मैंने देखा है जितना ज़्यादा स्ट्रांग बेस होगा उतना ज़्यादा आगे चल के उसकी ऊपर की जो माले हैं ना वो अच्छे बनते चले जाएंगे। बेस यानी कि अगर नींव अच्छी हुई जिसमें बच्चों को सब समझ आता है, जिम्मेदारियां समझ आने लग जाती हैं, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, प्राइवेसी समझ आने लग जाती है आम शब्दों में, और बहुत ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको समझाऊं तो प्राइवेसी उन्हें समझ आने लग जाती है कि प्राइवेसी किसे कहते हैं। तो प्राइवेसी का गलत मतलब ना समझते हुए अगर पॉजिटिव समझाना है तो उनकी चीजों को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा हमें भी। और कहते हैं ना, मैं बचपन से सुनती थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई पर्टिकुलर इंसान से आप नहीं सीखते हो, आप हर दिन हर उम्र में हर रोज कुछ ना कुछ, हर पल कुछ ना कुछ सीखते हो और हर एक से सीखते हो, चाहे जीव जंतु कोई भी हो, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, इंसान कोई भी हो, आप सबसे सीखते हो। और जितना ज्यादा आप अपने आप को खुला रखोगे दिमाग से और ये सोच से कि भाई मैं अपनी सोच को हमेशा इस तरीके से पॉजिटिव बना के रखूं कि मुझे जो सीखने को मिल रहा है मैं उसे लेके ही रहूंगा, तो सच्ची बता रही हूँ ये चीजें ना बहुत आसान हो जाती हैं, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। जहां आप स्टबन हुए, जहां आप जिद्दी हो गए या ये एक हटी एक ईगो बना लिया कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब आता है, मुझे क्या सिखा रहे हो, हमने ऐसे ही घट घट का पानी नहीं पिया, ये जिस तरीके से लोग बोलते, मैं सच्ची बता दूं ये फालतू सी एक बकवास है जिसकी कोई वो नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, इसकी कोई बात में वजन नहीं है कि हमको सब आता है, कुछ नहीं आता। सच्ची बता रही हूँ, एज ए इंसान इस दुनिया में जब आप आते हो ना, आपको कुछ नहीं आता और कभी, और इंसान सारी जिंदगी सीखता चला जाता है, सीखना पड़ता है, अगर आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। और ये एक और बात बता दूं जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, हमने ये कभी करा ही नहीं, तो मैं एक बात बता दूं, मैं बचपन से सुनती थी, जरूरी नहीं कि जो एक बार भी नहीं हुआ आपकी लाइफ में वो कभी नहीं होगा, कभी ना कभी होगा ही होगा। और आपको ये चीजें खुश होके देखनी ज्यादा अच्छी है, इंस्टेड ऑफ कहीं पे आप बेइज्जत करा के सीखो या बाद में अपने आप में रिग्रेट करके मलाल करके कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे आज सीखना पड़ा, तो बेटर है कि सीखो, रोज कुछ ना कुछ सीखो। इसीलिए चलिए, काफी सारी बातें कर ली, काफी सारा ज्ञान बांट लिया आप लोगों के साथ, चलिए अभी मैं दूसरे कामों में लगती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझसे गलती हुई, मैंने खुद ने भी मानी कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा था कि आज 8 तारीख है और मैंने सबको कल रात को ही बोल दिया था कि खाना अच्छे से खा लो क्योंकि अगले दिन ना उपास रहेगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि अपने अंदर एनर्जी वगैरह ना रहे और ऐसी वैसी, तो वही हुआ कि हम लोगों ने कल रात को ना जल्दी खाना खा लिया था, फ्री हो गए। फिर उसके बाद हुआ ये कि आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने सबको विश भी कर दिया, फिर ध्यान गया, मैंने देखा तारीख तो आज तो 8 तारीख हुई नहीं, आज तो 7 तारीख है, और मैंने सबको विश कर दिया तो मैंने सबको फिर लिखा भी कि अरे 8 तारीख तो कल है तो फिर, और बाकी फिर मैंने घर में सबको बोला कि भाई आज उपवास नहीं करना है, कल करेंगे अपन उपवास। तो मुझे गलत फहमी हो गई, मैंने खुद की भी गलती मान ली मैं ज्यादा इस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती थी कि मैंने जो करा वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो हो जाता है यार, गलती हो जाती है, अपनी गलती मानने में कैसी शर्म। इसीलिए चलिए, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मैं अभी घर पहुंच गई हूँ, अभी घर के टेक केयर करती हूँ, रूटीन्स वगैरह करती हूँ, फिर मैं सोच रही थी कि मुझे इंडियन स्टोर जाना है जो मैंने आप लोगों को बोला, तो वो करती हूँ। चलिए
Thank you.